स्टूडेंट्स, कार्बन एंड कंपाउंड्स। क्लास टेंट्री का, का चैप्टर है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं और ये होने वाला है आज पार्ट टू इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं सेचूरेटेड एंड अनसेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में एंड आप ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं वो सब कुछ आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं तो जिन बच्चों ने अभी तक इसको शेयर नहीं किया है प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए लाइक कर लीजिएगा आगे बढ़ते हैं तो ये है आपकी एनसीआरटी का पेज जो मैंने एज इट इज यहां लगाया ताकि मैं आपके लिए इसे पढ़ भी दू और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दू देखिए जहां से सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड सेगमेंट स्टार्ट होता है उसके ऊपर ये कुछ इस तरह से डिजाइन करके एनसीआरटी में लगा है मोर टू नो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखिए ये कहानी पढ़ने के पहले मैं आपको बताऊं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोर और लेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चाहे वो प्लांट्स हो या वो एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स है जिनकी सिमेट्रिक कार्बन से मिलती जुलती सी है क्योंकि शुरू में कार्बन को ही लेके ऑर्गेनिक कंपाउंड माना गया लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी होती चली गई हमें पता चला कि कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जो एग्जैक्टली exactly कार्बन से रिलेटेड नहीं है लेकिन उनकी बनावट कार्बन मॉलिक्यूल्स की तरह है बाद में उनको भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही कंसिडर किया गया फिर और स्टडीज हुई तो लेटर लेटर ऑन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्शन रखने लगे किससे सिस्टम से लिविंग सिस्टम से प्लांट एनिमल बैक्टीरिया व्हाट समझ में आ गया अब इस कहानी को मैं पढ़ देता हूं ताकि आपके लिए और आसान हो जाए द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सीन इन द कार्बन कौन कौन से फीचर हैं पहला कि टेट्रावैलेंसी और दूसरा कैटिनेशन टेट्रावलेंट है और कैटेनेशन के, के प्रॉपर्टीज है। दोनों को जब एक साथ जोड़ दिया जाए यानी इनकी ये जो दो प्रॉपर्टी है कार्बन की इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में डिफरेंट वराइटी ऑफ अमाउंट में मॉलिक्यूल्स को बना सकता है पेयर कर सकता है ओके मैनी हैव जो कंपाउंड्स बनते हैं उनमें से मैनी हैव सेम नॉन कार्बन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू डिफरेंट कार्बन चेन्स मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन ही होने वाला है कार्बन के अलावा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और भी बहुत सारे एटम और भी उसमें जुड़ सकते हैं कंपाउंड्स इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस मतलब कि प्लांट या एनिमल से निकाले गए थे लिविंग सिस्टम से निकाले गए थे तो शुरू में इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया एंड इट वॉज थाट दैट दीज कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड अब यहीं से कार्बन रिलेटेड जो भी स्टडी होगी उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने लगते हैं एक अलग ब्रांच हो जाएगी कार्बन रिलेटेड कंपाउंड की स्टडी के लिए दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की जब बच्चों आप बड़े होंगे तो ब्रांचेस बढ़ते हुए देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री एटलीस्ट ये तीन कैटेगरीज़ तो आप देखेंगे ही तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यहाँ पे आप कार्बन और उसके कंपाउंड्स उसके जैसे कंपाउंड्स उनकी केमिस्ट्री को जब स्टडी करते हैं उसी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बन कंपाउंड्स ओके सो इट वाज थॉट दैट दीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी फॉर्मड विदइन द लिविंग सिस्टम ऐसा माना गया दैट इज इट वॉज वाइटल फोर्स वॉज नेसेसरी फॉर देयर सिंथेसिस जब इसकी डिस्कवरी हुई उस समय की बात है फ्रेडरिक वलर ने इसको डिसअप्रूव किया यूरिया बना के आपको पता है यूरिया हमारी बॉडी में कहाँ बनता है क्विक आंसर करिए यस मैंने आपको पढ़ाया है ऑफलाइन में यस लीवर में बनता है कहा बनता है लीवर एक्सक्रीशन वाला पार्ट जब मैं आपको बायो में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ना कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एमिनो एसिड है और जो सीओ टू बनती है दोनों को जोड़ करके यूरिया बना देती है हमारी जो लीवर सेल्स है तो ये जो प्राइमरी यूरिया निकाला गया वो ऑर्गेनिक सिस्टम से निकाला गया लिविंग सिस्टम से निकाला गया तो ये तो माना गया कि नहीं नहीं सिर्फ लिविंग सिस्टम में ही जरूरी है लेकिन फ्रेडरिक वहलर ने आर्टिफिशियल तरीके से यूरिया बनाकर दिखा दिया कि देखो भाई ऐसा नहीं है कि कोई वाइटल फोर्स चाहिए अगर सही कॉम्बिनेशन सही टेम्परेचर के तरीके से आप इसको बनाएं तो इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आप बाहर आर्टिफिशियल तरीके से भी सिंथेसाइज कर सकते हैं एंड ही प्रिपेयर यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट अमोनियम साइनेट बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बाइड्स ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कार्बोनेट हाइड्रोकार्बोनेट कंस्टिट्यूट टू बी स्टडीड अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना? तो ये है छोटी सी स्टोरी अब हम शुरू करते हैं कहानी जो बेसिकली रिलेटेड है सेचूरेटेड एंड अनसेच्यूरेटेड कंपाउंड से तो ये है 4.2.1 आपकी एनसीआर में भी बिल्कुल ऐसा ही है सैचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड देखिए सेचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में ना बहुत सिंपल सा डिफरेंस है सेचुरेटेड का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में जब एक बॉन्ड हो सिंगल जब सिंगल बॉन्ड हो किसी भी तरह से सिंगल बॉन्ड हो दिस इज सिंपली सेचुरेट ये कैसा है सेचुरेट है यानी सेचूरेटेड कंपाउंड है लेकिन जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो लिसन केयरफुली दिस इज सिंगल बॉन्ड दिस इज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स तो जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो इन दोनों को ही मतलब एक से ज्यादा होते ही अब ये क्या है अनसेचुरेटेड क्या है बच्चों अनसेच्यूरेटेड कार्बन कंपाउंड है क्लियर क्लियर हो हो गया क्या ये स्टोरी बिल्कुल गई क्योंकि आगे यही डिस्कशन बार बार होने वाला है तो अगर आप पहले ही शॉर्टकट में समझ लीजिए कि, कि कार्बन और कार्बन के बीच में जब केवल सिंगल बॉन्ड है बाकी वैलेंसेस अदर से कंप्लीट हो जाएंगी कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए तो ये तो होगा सेचुरेटेड लेकिन अगर यह डबल या ट्रिपल है दोनों ही कंडीशन में तो ये दोनों ही क्या कहलाते हैं अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या मेरी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई बहुत सिंपल था ना अब एनसीआरटी है लाइंस पढ़ देता हूं ताकि आपके लिए कुछ छूट ना जाए परेशानी ना हो कहीं पे वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन जो सी एच फोर आपने देखा था सी एच फोर पिछली बार यह है लाइन स्ट्रक्चर और इसके अलावा आपने डॉट स्ट्रक्चर भी खूब बढ़िया से देखा था अनदर कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज एथेन अब आप सोचते होंगे ना कहीं पे इसको मेथेन रहे हैं और कहीं पर एथेन कह रहे हैं तो बच्चों अगला जो लेक्चर होने वाला है नॉर्मन क्लेचर का ही होने वाला है नामकरण का पर फिर भी मैं बता दूं यहाँ पर भी शॉर्ट में जानते रहिए कि अगर एक कार्बन है तो इसको मेथ कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जब कार्बन की बात करते हैं जब दो कार्बन किसी कम्पाउंड में है तो उसे एथ कहा जाता है तीन कार्बन होगा तो इसे प्रॉप कहेंगे चार होगा तो इसे ब्यूट कहेंगे पांच कार्बन का मॉलिक्यूल होगा तो उसे पेंट कहेंगे और छह कार्बन का होगा तो उसे हैक्स कहेंगे समझ में आ रहा है ना इसी तरह से नामकरण होता है अब आप सोच रहे होंगे ना कि सर मेथ तो ठीक है एक कार्बन लेकिन इसमें एन क्यों जोड़ देते हो मेथेन क्यों कहते हो जैसे एथ तो ठीक है लेकिन इसमें एन के जोड़ते हो तो ये नॉर्मन क्लेचर का हिस्सा है लेकिन फिर से क्योंकि बार बार ये रिपीट होगा परेशान होंगे तो जान लीजिए कि ए एन ई जो भी कार्बन मॉलिक्यूल जो भी यहां पर एलकेन होगा एलकेन होगा यानी जो सेचुरेट होगा जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उसके लिए हम उसको हम एलकेन बोलेंगे है ना जब भी सिंगल बॉन्ड होगा सेचुरेट होगा तो उसको एल्केन कहेंगे और कोई दूसरा वर्ड उसके लिए यूज नहीं होगा तो उसके लास्ट में ना उसके नाम के लास्ट में ए एन ई जोड़ा जाएगा जैसे अगर एक कार्बन का है तो मेथ होगा और लास्ट में क्या जोड़ देंगे ए एन ई मेथेन इसी तरह से दो कार्बन का होगा तो उसको तो हम एथ बोलेंगे और लास्ट में क्या जोड़ना है बच्चों ए एन ई -E. जब लास्ट में जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं सफिक्स क्या कहते हैं सफिक्स और अगर नाम से पहले कोई चीज जोड़ देते हैं तो उसको कहते हैं प्रीफिक्स अब इतना तो आप जानते ही हैं ठीक है बच्चों इसी तरह से अगर मान लीजिए तीन कार्बन का होगा तो प्रॉप प्लस ए एन ई प्रोपेन चार कार्बन का होगा तो ब्यूट प्लस ए एन ई ब्यूटेन तो मेरे ख्याल से अब आपके लिए बहुत आसान हो गया नॉर्मन क्लेचर भी ठीक ठाक आपने थोड़ा सा शुरुआत में ही यहां से समझ लिया है तो ये कहानी है जो चो छोटी मोटी कि यहाँ पे एक फॉर्मूला है सी टू एच अब यहाँ पे दो कार्बन है एक कार्बन दो कार्बन सी टू और छह हाइड्रोजन है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स कार्बन कार्बन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं एक इस कार्बन का दूसरा दूसरे कार्बन का यानी दोनों ही शेयर कर रहे हैं यहाँ पे कोई भी डोनेशन या एक्सेप्शन वाले में नहीं है यहाँ पे क्या एक्सेप्ट या डोनेट नहीं हो रहा है मतलब गेन या लॉस नहीं हो रहा है, यहां शेयर हो रहा है यानी कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं कैसा बॉन्ड बना रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं ये क्लियर हो गया अब क्योंकि ये शेयर करके बना रहे हैं तो अगर इसका डॉट स्ट्रक्चर छोड़ करके लाइन स्ट्रक्चर बनाए तो बिल्कुल ऐसा दिखेगा ये दो यहां पर है आपके कार्बन कार्बन जिनके बीच में है सिंगल बॉन्ड एक बॉन्ड का मतलब वन वन बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम इज इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन्स इट इज इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन्स जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे कार्बन का होगा दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन का होगा यानी दोनों इलेक्ट्रॉन सेम कार्बन नहीं देने जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में वो कोवैलेंट बॉन्ड ही बनेगा तो अब आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ गए होंगे कि सी टू H6 किस तरह से बन गया अब देखिए यहां पे खास तौर से समझने वाली बात क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या आप इसे देख पा रहे हैं? है ना कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही आपको देखने को मिल रहा होगा क्लियर हो गया ना इसीलिए यह क्या है सेचूरेटेड मॉलिक्यूल है यह कैसा मॉलिक्यूल होगा सेचुरेटेड मॉलिक्यूल है और इसीलिए इसके नाम में दो कार्बन है तो एथ और क्योंकि सैचुरेट है तो ए एन इज एथेन क्लियर हो गया ना ओके तो अब यहां से एक चीज आप समझ सकते हो एक सिंपल सा फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करिए जैसे सी एच फोर ये है मेथेन सी टू एच सिक्स ये है एथेन अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए तो कार्बन तो यहां पे एक बढ़ा लेकिन हाइड्रोजन दो बढ़ गए यानी एक कार्बन पे यहां दो हाइड्रोजन पड़ रहे हैं तो इसका एक जनरल फॉर्मूला बनता है सी एन ठीक है और एच टू एन प्लस टू ये होता है जो सेचुरेटेड कार्बन है यानी एलकेन का फार्मूला ये सब आई यूपीएससी में पढ़ना है पर यहीं से रिवीजन करते चलिए यहीं से थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए आसान हो जाएगा अब एन का मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन अब यहां कार्बन कितना है वन तो इस फार्मूले के हिसाब से ये फाइंड आउट कर सकते हैं आप तो ये हो जाएगा C1 यानी कार्बन वन एच टू इंटू वन प्लस टू तो ये हो जाएगा टू टू फोर फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा सी एच फोर में इसी तरह से दो कार्बन का होगा तो आप फॉर्मूला सेम होगा अब तीन कार्बन का होगा तो सी थ्री एच टू इंटू थ्री प्लस टू तो ये कितना हो जाएगा भाई सी थ्री एच टू थ्री जब सिक्स प्लस टू यानी एट तो सी थ्री एच एट मेरे ख्याल से आपको एलकेन समझ में आ गया सेचुरेटेड समझ में आ गया ठीक है अब जो सेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, उनसे अब अगर किसी तरह से ऐसा हो कि हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो कार्बन तो भाई टेट्रावेल्ट आपको याद रखेगा भाई आई हैव टू आई हैव टू अ टेट्रावेलेंट कंडीशन मतलब मुझे तो एक टेट्रावेलेंट कंडीशन चाहिए आई आई मस्ट अ टेट्रावेलेंट कंडीशन बाई एनी हाउ मतलब चाहे वो सिंगल बाउंड से आप दे दो मुझे और चाहे कहीं से डबल बाउंड ला दो तो ये जो कंडीशन है जिसमें दो आपको कार्बन दिख रहे होंगे ये क्या है एथ आपको पता है और यहां भी दो कार्बन है तो ये भी क्या है एथ लेकिन यहां सेचुरेट है सिंगल है तो यहाँ पर लगेगा एन तो ये हो गया एथेन अब होता क्या है कि देखिए C2 टू एथेन जब बनता है तो आप फॉर्मूला जानते हैं सी टू एच सिक्स यानी यहां एक और कार्बन होगा कहीं और कार्बन के टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो गई लेकिन अगर किसी तरह से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए ये जो एक्स्ट्रा जुड़े हुए हाइड्रोजन ये हट जाए अब कार्बन के साथ एक प्रॉब्लम आ जाएगी वो क्या प्रॉब्लम आएगी वो आपको दिखाता हूं मैं क्या प्रॉब्लम आएगी प्रॉब्लम ये आएगी कि ये कार्बन क्या है टेट्रावेट है यानी इसे चार चाहिए कैसे भी इसको साथ ये जो कार्बन है तीन ही बॉन्ड बना रहा है एक और बॉन्ड चाहिए तो जब हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो यही बॉन्ड कार्बन और कार्बन अपने बीच में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड और ऐड कर लेते हैं अब अगर नीचे वाले कंपाउंड का अगर आप चेक करना चाहें टेट्रा बैलेंसी कार्बन का इस कार्बन किसी भी एक कार्बन का ये इसमें से आप कर सकते हैं बहुत इजीली आइए करके देखा जाए चलिए इस कार्बन को हम राउंड कर लेते हैं वन टू और यहां पर थ्री एंड फोर है ना दिख पा रहा सबको ना लेट मी जूम ठीक है ये दिख गया सबको वन टू थ्री एंड फोर यानी यहाँ डबल बॉन्ड करते ही ये जो कार्बन है सेच्यूरेट हो गया सेच्यूरेट मतलब इन द सेंस कि वो को बॉन्ड बना के खुश हो गया कि भाई हम टेट्रा वैलेंसी अपनी कंप्लीट कर लिए हैं सेचूरेट का मतलब सिंगल बॉन्ड वाला नहीं ठीक है यानी कुल मिला के इसको जो चार बॉन्ड बनाने हैं वो चाहे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बाउंड के किसी और से बन जाए या डबल बाउंड से बने या ट्रिपल बाउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता बस कार्बन को अपनी टेट्रा वैलेंसी मेंटेन करनी है और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसकी ये जो खास प्रॉपर्टी है इसकी वजह से डाइवर्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है ये समझ में आ रहा है बहुत सारे अब ये क्या है कि जब डबल बॉन्ड बन जाता है तो आपको पता है ना कि ये अनसेचुरेटेड कंडीशन है डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं अनसेचुरेटेड कंडीशन कहलाते हैं जब डबल बॉन्ड बनते हैं तो इसको हम एल्कीन जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसको हम एलकीन कहते हैं और जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाए तो इसको एल्काइन कहा जाता है ठीक है बच्चों एल्कीन एंड एल्काइन और नाम कैसे लिखेंगे आप भाई बिल्कुल नाम बदल जाएगा ना तो देखिए है तो दो कार्बन तो ये तो होगा एथ इसमें कोई फर्क नहीं होगा लेकिन क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो ये क्या है ये है एल अब ये जो ई एन ई है यही यहां पर सफिक्स की तरह जुड़ जाएगा ई एन ई ये हो जाएगा इथिन क्या हो जाएगा इथिन और ऊपर वाले में सिंगल बॉन्ड है तो ये कहलाएगा इथेन ये हो जाएगा ए एन ई इथेन और ये हो जाएगा इथेन इसी तरह से अगर तीन बॉन्ड हो जाएगा तो वो वाई एन ई जुड़ जाएगा इथाइन मेरे ख्याल से सेचूरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन की कहानी आपको समझ में आ गई है यहां कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली सेम स्टोरी यहां पे ड्रॉ करके एक बढ़िया सा फिगर बना के दिखाया एन सी में यह बना हुआ है कि कैसे कार्बन और कार्बन के बीच में इस बार दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं है ना तो यानी कार्बन और कार्बन के बीच में बनेगा तो को वैलेंट बॉन्ड लेकिन इस बार ये डबल बॉन्ड होगा कैसा होगा इस बार ये डबल बॉन्ड होगा क्लियर हो गया ना ऐसी कंडीशन में ये अनसेचुरेटेड माना जाएगा अब चेन ब्रांचेज एंड रिंग्स जो कार्बन मॉलिक्यूल है चाहे वो सेचुरेट हो या अनसेचुरेट हो वो तीन तरह से पाया जा सकता है या तो लंबी चैन के फॉर्म में या तो उसकी ब्रांचेस निकली होंगी और या तो फिर वो रिंग फॉर्म में होगा आइए थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आयु समझने में और आसानी हो जैसे पहला है यहां पे कंपाउंड मेथ meth, यानी मेथेन ठीक है तो आप देख पा रहे हो बच्चों की यहां पे एक ही कार्बन है एक कार्बन है इसलिए इसका नाम मेथ है दो कार्बन है इसलिए एथ है तीन कार्बन है इसलिए प्रॉप है चार कार्बन है इसलिए ब्यूट है पांच है इसलिए पेंट है छह कार्बन वाला है इसलिए हेक्स है अब अगर आप देखें तो इन सब में एक खास बात है कि सभी में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है मॉलिक्यूल की लंबाई चाहे जितनी बढ़ती चली जाए सबके बीच में कार्बन की कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यानी सभी के सभी सेचरेटेड सेचूरेटेड कंपाउंड है यानी सभी के सभी एलकेन है ठीक है तो जब एक ही जैसा गुण दिखाते हो एक ही जैसी क्वालिटी शो कर रहे हो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ सकते जैसे ओएच OH ग्रुप जुड़ जाए COOH ओ एच ग्रुप जुड़ जाए ठीक है और उसके बाद भी ये ऐसे ही प्रॉपर लेंथ की चेन बनाए और एक जैसे प्रॉपर्टी शो करें तो उसको हम कहते हैं होमो लॉगस ये कैसे स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं होमोलॉगस टाइप के स्ट्रक्चर हो जाते हैं यानी एक जैसे दिखने वाले एक जैसे क्वालिटी वाले स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं क्लियर हो गया अब यहां पे जो चेन वर्ड है चेन्स इसका क्या मतलब है जब एक से ज्यादा कार्बन हो जब सिंगल कार्बन है तब क्या चेन तब तो बस एक ही कार्बन है लेकिन अब इसमें जो हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट है मान लीजिए सी एच फोर मेथेन से शुरू करते हैं मान लीजिए कि कोई हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो गया तो भाई इसको हटा दो ठीक और इसकी जगह एक और कार्बन आ गया यानी ये क्या हो गया एक लंबाई इसकी बढ़ गई थी इसी को हम कहते हैं चेन फिर इसी तरह से कार्बन 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 तो आप देखते रहे ये बढ़ती जा रही है और इनको सेचूरेट करते जाइए मतलब इनके सेचूरेट करने का मतलब इनको टेट्रावेलेंट कंडीशन में ला दीजिए कार्बन को कार्बन खुश भाई मैं तो टेट्रावेलेंट हूं मैं तो खुश हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है है ना और ये जो लंबाई बढ़ती चली जा रही है दिस इज कॉल्ड चेन कई बार क्या होता है कि जब दो से ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं लाइक थ्री फोर कंपाउंड्स बनते हैं स्पेशली जब तीन के ऊपर जाते हैं है ना थ्री एंड मोर आप कह सकते हैं जब इसके ऊपर जाते हैं तो ये केवल लंबी चेन के फॉर्म में नहीं हो सकते कई बार ये अपने आप में मॉडिफिकेशन करते हैं और ब्रांचिंग कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल समझते हैं जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक, दो तीन चार, चार कार्बन ले लेते हैं जो ब्यूटेन है क्लियर ठीक अब ये हाइड्रोजन से आप सेटिस्फाई कर दीजिए भाई चलो भाई आप सेटिस्फाई हो गए अपनी टेट्रा वैलेंसी को लेकर के लेकिन ये जो ब्यूटेन है इसको ब्रांच के रूप में ऐसे भी लिखा जा सकता है बिल्कुल आप देख पा रहे हो ना इस तरह से लिखा जा सकता है यहां पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन गिनना चाहें तो गिन सकते हैं यहां पे नंबर ऑफ कार्बन फोर है यहां भी नंबर ऑफ कार्बन फोर है हाइड्रोजन की बात करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सी फोर एच टेन अब यहां नीचे आप सोच रहे होंगे ब्रांचिंग हो गई तो चेंज हो गया होगा बिल्कुल गिन लीजिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस यानी केमिकल फॉर्मूला में कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा है स्टिल इट इज स्टिल इट इज लेकिन क्या हुआ ब्रांचिंग हो गई ऊपर वाला जो हमने बनाया है एकदम लीनियर फैशन में है तो ये चेन के फॉर्म में है नीचे वाला ब्रांच के फॉर्म में है ये ब्रांचिंग के फॉर्म में है अब हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि रियल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा चेन में तो होंगे नहीं ब्रांचिंग हो सकती है क्लियर हो गया बच्चों ठीक इसी तरह से रिंग का फॉर्मेशन भी होता है आपने ग्लूकोज बहुत पढ़ा होगा ना ग्लूकोज मुझे लगता है शायद कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने ग्लूकोज ना पढ़ा हो तो उसमें छः कार्बन्स होते हैं और उसका रिंग स्ट्रक्चर आप बना लेते हैं है ना कुछ इस तरह से बिल्कुल ऐसा ही है तो ग्लूकोज तो खैर उसमें ओ ग्रुप भी होता है लेकिन अगर सिंपल भी बनाना चाहो तो जो चार कार्बन थे उसको आप इस तरह से बना सकते हो चार या पांच कार्बन जो है कार्बन उनको आप ऐसे भी बना सकते हो ब्रांचिंग कर सकते हो तो इसमें हो गया वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स अब ये छह है तो इसके लिए हेक्स वर्ड यूज होता है जैसे कि यहां पे हो रहा है ये साइक्लिक दिस इज कॉल्ड साइक्लिक फॉर्म दिस इज कॉल्ड साइक्लिक फॉर्म या इसी को रिंग कहा जाता है समझ में आ रहा है तो इसको हम हेक्स कहेंगे ये क्या है एक हेक्सेन है अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल बाउंड या ट्रिपल बाउंड नहीं तो ये होगा एक हेक्सेन और एक हेक्सेन आप यहां देख पा रहे हो बिल्कुल चेन के फॉर्म में तो रिंग फॉर्म में भी हेक्सेन हो सकता है चेन के फॉर्म में भी हो सकता है ब्रांच के फॉर्म में भी हो सकता है एकदम क्लियर हो गई ये बात सबको समझ में आ गई ना ठीक है वही चीजें यहाँ पर रिपीट करके बताया कि जो चार कार्बन का मॉलिक्यूल है इसके दो पॉसिबल स्केलेटन बन सकते हैं एक तो ये चेन के फॉर्म में हो दूसरा ये इस तरह से ब्रांचिंग के फॉर्म में पाया जाए ठीक ठीक उसी तरह से यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो चार कार्बन का मॉलिक्यूल है ये इस तरह से अगर हाइड्रोजन से इसको सेटिस्फाई कर दें तो ऐसा दिखने लगेगा जैसा कि मैंने पीछे बना के दिखाया थोड़ा मैंने अलग बनाया था यहाँ थोड़ा सा अलग बना है इट डज नॉट मैटर अब यही चीज साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकता है जैसे C6H12 दिखा रहा है यहाँ पे है ना तो बिल्कुल वैसा ही हो सकता है जैसा कि अभी पीछे मैंने भी बनाया था जब साइक्लिक फॉर्म में क्या बोलते हैं बना लिया जाता है तो नाम के आगे साइक्लो वर्ड लगा देते हैं जैसे अगर ये छह कार्बन का है तो हेक्सेन तो है लेकिन इसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन क्या कहेंगे साइक्लो हेक्सेन इससे पता चल जाएगा कि जो हेक्सेन है वो साइक्लिक फॉर्म में है चक्र के रूप में है, इस तरह से है तो ये हो गया मेरे ख्याल से अब तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा आपको और कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं बचा होगा ठीक है ना बच्चो ये स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है बेंजीन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेंजीन ये है सी सिक्स एच सिक्स साइक्लोहेक्सिन जो आप पीछे पढ़ रहे थे ये सेचूरेटेड सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन है कैसा हाइड्रोकार्बन है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ठीक है हाइड्रोकार्बन क्या है ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें केवल हाइड्रोजन एंड कार्बन हो या आप कह सकते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन हो तो उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं तो नॉर्मली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कार्बन मॉलिक्यूल पढ़ते हैं वो हाइड्रोकार्बन ही आप पढ़ते हैं ठीक है तो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कहीं भी कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है सो सिंपली दिस इज सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन अब साइक्लिक फॉर्म अनसेचुरेटेड भी तो हो सकता है भाई जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है बिल्कुल तो बेंजीन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अब यहाँ पे दे सकते हैं कि सी सिक्स एच सिक्स क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में अल्टरनेट पोजिशन पे यहाँ पर डबल बॉन्ड्स हैं तो कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है वो कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड होने की वजह से दो वैलेंसी यही पूरी हो जा रही है अब इसको दूसरी तरफ एक कार्बन से जुड़ना भी है तो तीन वैलेंसी पूरी हो गई और एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा तो ये टेट्रावैलट कंडीशन में हो जाएगा तो ये है अनसेचुरेटेड बेंजीन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन कहीं किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया ना ठीक है जहां भी दिक्कत होगी आप पूछ लेंगे अब देखिए जो एलकेन है उनके लिए अगर एक जनरल फॉर्मूला बना दे कि कैसे पता करे कि कि कितने कार्बन होंगे तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे तो आप सी एन एच टू एन प्लस टू ये एलकेन के लिए हो जाएगा अगर वही चीज एलकीन हो तो क्या लिखेंगे भाई सी एन एच टू एन अब यहां पर ना एन कम से कम दो होना चाहिए मिनिमम दो और उसके ऊपर होगा उससे कम नहीं हो सकता जबकि में के साथ जो एन है एन की वैल्यू वन से ही स्टार्ट होती है वन टू इनफाइनेट जो भी बन पाए और एलकाइन हो तो इसके लिए भी मिनिमम दो चाहिए लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा सी एन एच टू एन माइनस टू भाई ये भी है तो आपको जैसे जैसे कार्बन के बीच में बॉन्ड बढ़ेंगे वैसे वैसे हाइड्रोजन की नंबर घटते जा रहे हैं ऊपर उप, से नीचे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं क्लियर हो गया ये फॉर्मूला लिख लेना और इसे याद भी कर लेना बच्चों ओके okay, सो so, अब अगर हाइड्रोकार्बन की मैं बार बार बात कर रहा हूं तो एक हाइड्रोकार्बन का मैं आपको आउटलाइन प्रोवाइड कर देता हूं ठीक है ना? सो लेट मी चूज कलर मान लीजिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हाइड्रोकार्बन तो चलिए हाइड्रोकार्बन का एक आउटलाइन एक फ्लो चार्ट बना देता हूं और इसी को आप कैटेगरी या डिवीजन भी कह सकते हैं सो so, हाइड्रोकार्बन साइक्लिक और ए साइक्लिक यानी लाइन में भी हो सकते हैं और साइक्लिक हो सकते हैं तो जो लाइन वाले होंगे चाहे वो ब्रांच होंगे चाहे जैसे होंगे सबको हम ए साइक्लिक बोलेंगे क्या बोलेंगे ए साइक्लिक और उसके अलावा जो बच गया वो होगा साइक्लिक ये कंफर्म हो गया इसको बनाते चाहिए अब ये साइक्लिक जो ए साइक्लिक है ये दो तरह के हो सकते हैं भाई आप कहेंगे सर ये कैसे देखो ब्रांच वगैरह तो अलग चीज है वो तो हम बाद में समझेंगे ठीक है ए साइक्लिक में ये या तो सेचुरेटेड होंगे है ना या फिर ये अनसेचुरेटेड होंगे बिल्कुल सर सही है सेचुरेटेड का मतलब आप समझ रहे हो ना एल की बात हो रही है ठीक और अनसेचुरेटेड फर्दर दो तरह के हो सकते हैं या तो ये डबल बॉन्ड हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में सी सी के बीच में डबल बॉन्ड है ना या फिर ये कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड तो इसको कहेंगे एलकीन और इसको हम कहेंगे एलकाइन याद रहेगा बहुत आसान है ना अब देखिए साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन है उसकी भी दो कैटेगरी हो सकती है कैसे उनके नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग या तो ये हेटेसाइकिल होंगे ठीक है या फिर ये होमोसाइक्लिक होंगे होमो साइक्लिक अब होमोसाइक्लिक होंगे तो ये दो कैटेगरी में बांट सकते हैं इसको आप आप कहेंगे सर हर चीज में दो दो बन जा रहे हर चीज में नहीं है पर जो पॉसिबिलिटीज है ठीक है या तो ये एरोमैटिक एरोमैटिक का मतलब खुशबू वाले ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनसे किसी न किसी तरह की स्मेल आती होगी वैसे एरोमा वर्ड खुशबू के लिए होता है पर एरोमेटिक का मतलब किसी न किसी तरह की स्मेल आती ही होगी इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है बेंजीन होता है तो बेंजीन के जैसे जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं आप उनको एरोमेटिक कह देते हैं दूसरे जो होते हैं वो एलीसाइक्लिक कहलाते हैं साइक्लिक तो है होमोसाइक्लिक तो है बट एलीसाइक्लिक अब इसका क्या मतलब है इसका सिंपल सा मतलब है कि ये साइक्लो एल्केन होंगे ये क्या होंगे साइक्लो होंगे सेचुरेटेड कंडीशन वाले जो कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे वो एलिसाइक्लिक के थ्रू आएंगे तो मेरे ख्याल से ये चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसे नोट कर लेना बच्चों तो मस्त होके पढ़िए जहाँ भी दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं गॉड ब्लेस यू